हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में तो जैसे कि आप सबको बताया अब से हम अपने चैनल पे प्रोडक्ट के रिव्यू भी करना शुरू कर रहे हैं और कई प्रोडक्ट्स के मैंने रिव्यू करके वीडियो अपलोड भी कर दिए तो उसी आज का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा वॉशिंग हैंड ग्लव जो माइक्रोफाइबर वाला होता है जैसे कि आपने थमनेल में देख लिया होगा तो अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया और कोशिश करेंगे वीडियो को ज्यादा अनकट नहीं रखेंगे अनकट रखेंगे तो अभी तक फिर ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से और इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो देखते हैं अभी क्या साइज वगैरह मिलता है और अगर प्राइसिंग की बात करूं वन फोर्टी का ये ग्लव है आप देखते हैं इसमें कितने एक ग्लव आया दो आए हैं और क्वालिटी वगैरह चेक करेंगे तो सबसे पहले अभी हम इसको अनबॉक्स शुरू करना शुरू करते हैं और मैं इसका बता दूं कि इसमें कोई भी कलर इश्यू नहीं होते क्योंकि साफ ही करना है ये कोई डेकोरेटिव मटेरियल नहीं है जिसमें कलर स्पेसिफाई हो तो कलर भी देखते हैं अब कौन सा निकलता है तो इसके अंदर है हमारा जो ग्लव है तो मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ एक हाथ से शूट कर रहा हूँ इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो ये तो अब खाली है इसको साइड पे रखते हैं तो ये है हमारा ग्लव जो कि माइक्रोफाइबर सुपरमिट और सामने भी ये लिखा है तो अभी इसको खोलते हैं फिर इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं और मैं बता दूं ये मैंने कोई भी ऐसे साफ वगैरह करने के लिए नहीं मंगाया ये मैंने मेन पर्पज था कि जब हम कार को शैम्पू से वॉश करते हैं तो उसको उसके तो लिए मैंने मंगवाया था तो अब देखते हैं ये उसके लिए ही यूज होगा या किसी और चीज के लिए यहां से भी एक पिन लगी हुई है पहले ही निकाल रहे थे जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो को अनकट रखेंगे इसलिए इसको मैं अब नहीं काटूंगा तो ये हमारा कुछ ग्लव तो इसको एक बार मैं पहनता हूँ फिर आपको बताता हूँ जो और, और, कलर के बारे में हमको ऑरेंज कलर मिला तो अभी मैंने ये हाथ में पहने तो आप साइज देख सकते हो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जो इसका ग्लव का साइज है वो पूरी मतलब यहां तक आएगा मेरे पूरे हाथ के पीछे तक आएगा लेकिन इसका जो इलास्टिक वो आ रहा है लेकिन फिर भी ठीक है ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा और अगर क्वालिटी की बात करें तो थोड़ी सी इसकी बेकार क्वालिटी लग रही है और क्योंकि ये जो इसके माइक्रोफाइबर फाइबर क्लॉथ है बीच में ये जो स्पेसिंग देख रहे हो ये अगर नहीं होती पूरे में अगर ये जो गोल गोल से क्लो माइक्रोफाइबर के ये जो ट्यूब्स टाइप की बाहर आ रही है अगर पूरे में होती तो फिर ज़्यादा बेटर रहता और अगर मैं साफ़ वगैरह करके बताऊं तो इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है मतलब ऐसे इफेक्टिव है ये और ज्यादा बेटर हो सकता था अगर इसमें ये जो बीच की स्पेसिंग है अगर ये भी भरी होती और अगर मैं दिखाऊं बीच बीच में इसकी आधी सिलाई भी खराब सी है और पीछे की साइड से ये कुछ इस टाइप का दिखता है यहां से भी ये जो सिलाई सामने दिख रही है तो मैंने मेरा तो मेन पर्पज था इसको जब कार को हम पानी से वॉश करते हैं तो जो हमारा शैम्पू होता है उसको इसमें डिप करके तो वो लगाने के लिए तो उसके लिए तो अभी मैं नहीं बताऊंगा लेकिन फिर भी मुझे ठीक लग रहा है ये प्रोडक्ट तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपको बाय करना तो ये 140 का एक ग्लव मिलता है और भी कई प्राइसेस थे जिसमें इसमें मुझे और भी कई सारी क्वालिटीज मिली ये सबसे सस्ती वाली है और लेकिन ठीक है वैसे भी मैंने इसमें ज्यादा नॉर्मल साफ नहीं करना होता मैंने ज्यादा शैम्पू से ही करना है तो उसमें ये ठीक रहेगा मतलब मेरे यूज के हिसाब से तो ये ठीक है तो अगर आपको ये बाय करना होगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या किसी प्रोडक्ट पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं उसी प्रोडक्ट को मंगवा के फिर उसका रिव्यू वगैरह करूंगा या तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यहां चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या तो मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो का जो भी टॉपिक होगा वो पे डीएम कर देना इंस्टाग्राम की आई मेरी नीचे फ्लैश हो रही होगी और ऐसी और प्रोडक्ट की रिव्यूज के या कार रिलेटेड या बाइक स्कूटी कुछ भी रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना जिससे मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो